The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So what is anemia? खून की कमी. Anemia होता क्या है? Anemia क्या है? कैसे होता है? आपको कैसे हो सकता है? और आप इसके लिए कर क्या सकते हैं, ये सारी बातें आज हम जानेंगे इसी वीडियो में. वीडियो के लिए बहुत आसान है आपको समझना. खून की कमी, ब्लड, अगर आपका ब्लड उतना ऑक्सीजन, उतना हीमोग्लोबिन कैरी नहीं कर रहा है तो उसको एनीमिया कहेंगे, जितना उसको चाहिए. नाउ ऑक्सीजन बेसिकली हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में कैरी होता है. ऑक्सीजन या हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में कैरी होता है और आपकी बॉडी के हर एक सेल, हर एक हिस्से में हीमोग्लोबिन जाना चाहिए, तब जाके आपकी बॉडी को सही मात्रा में न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन या यूटिलाइजेशन सब कुछ हो सकता है, राइट. सो हीमोग्लोबिन में आयरन रिच प्रोटीन होता है. बेसिकली हीमोग्लोबिन ही एक आयरन रिच प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है, ऑक्सीजन उससे चलता है. और कई कारणों के वजह से आपको एनीमिया हो सकता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द वेरियस रीजंस ऑफ एनीमिया. द रीजंस माइट बी हैवी ब्लीडिंग. सो आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है जिसके वजह से आपको एनीमिया हो गया. आपको हो सकता है कि प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में आपकी जो रिक्वायरमेंट है ब्लड की वो ज़्यादा हो जाती है, तो प्रेगनेंसी रिलेटेड एनीमिया होने के चांसेस बहुत होते हैं. पेट में अल्सर्स होने से एनीमिया हो जाता है भाई साहब. कोलोन्स में पॉलीप, कोलोन आपके जो इंटेस्टाइनल कोलोनिक कैंसर, कोलोन पॉलीप, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ग्रॉन्स डिजीज, नीचे से ब्लीडिंग होने से भी, अल्सर्स में ब्लीडिंग होने लगती है. आपके अंदर इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. इनहेरिटेड डिसऑर्डर मीन जेनेटिक डिसऑर्डर जिसके वजह से, जैसे कि G6PD डेफिशिएंसी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वो नहीं हो रहा है, यानी कि G6PD नाम की एंजाइम नहीं है आपके अंदर, ये भी हो सकता है. ए प्लास्टिक एनीमिया मतलब आपके अंदर, आपके इन्हें भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, आपके अंदर खून बनता ही नहीं है. इनहेरिटेड भी होता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है ए प्लास्टिक एनीमिया. और फिर ब्लड डिसऑर्डर्स यानी सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सब एक काइंड ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स है. कैंसर एक तरीके का कैंसर भी है, हो सकते हैं आपके ल्यूकीमिया या व्हाटएवर, उस तरीके ब्लड कैंसर में भी खून की कमी हो जाएगी. और साथ ही सबसे कॉमन इंडिया में, डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे कॉमन कॉज क्या है? आयरन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी या फॉलिक एसिड B12 डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी रिलेटेड एनीमिया सबसे कॉमन है इंडिया के अंदर, ये आपको समझना है. और जब भी आपको एनीमिया होगा, आपको चक्कर आ सकता है, कोल्ड क्लैमी लग सकता है, वीकनेस लग सकती है, इरिटेबल हो सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है एनीमिया के अंदर. और आपको समझना है, सांस भी फूलना हो सकता है, आपका TMT पॉजिटिव आ सकता है, आपको हार्ट अटैक होने वाला है तो उसके सिम्टम बढ़ सकते हैं, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बढ़ सकती, ब्लॉकेज में आगे पहले से ब्लॉकेज, ऊपर से खून कम, खून में ऑक्सीजन कम, तो दिक्कत तो बढ़ जाएगी. सो एनीमिया इज नॉट अ गुड थिंग. सो आपको एनीमिया के लिए ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट या हीमोग्लोबिन, बेसिकली CBC हीमोग्लोबिन, आयरन प्रोफाइल, B12, वर्लिक एसिड, ये सब लेवल समझ में आता है. और उसका कारण समझ के कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, क्या बीमारी है, क्यों खून की कमी है, कारण समझ के ही उसका इलाज होता है. तो एनीमिया को हल्के में नहीं लेना है. और आपको अगर एनीमिया है, खून की कमी है, तो तुरंत अपने फिजिशियन डॉक्टर के पास जाइए, एनीमिया का इलाज करवाइए, राइट. सो